मम्मी मैं आपकी कुछ मदद करूं? एक काम करो बेटा, अपने पापा और अंकल को ये दे आओ। ये हंस क्यों रहा है? मैं अंदर आ जाऊं? मम्मी ने ये भेजा है। अरे केनिची, ये तुम्हारे अंकल हैं। हेलो अंकल, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी हुई। लो ना, थोड़ा तुम भी पी लो। अरे नहीं नहीं, ये तो अभी बच्चा है। छोड़ो, वो सब पुराने जमाने की बातें हैं। केनिची, जरा अंकल का गिलास भर दो। क्या, भर देता हूँ ना। ये लीजिए। तुम बड़े ही अच्छे बच्चे हो। अंकल आप क्या काम करते हैं, बताइए ना। अरे मेरे तो कई कारोबार है, ये पैंट बड़ी टाइट हो गई है, कहीं फट ना जाए। मैंने सुन लिया बच्चे। ये कैसा इंसान है? वैसा जिसे दूसरों के सामने अपना रौब जमाने में बहुत मजा आता है। अच्छा अंकल, आपकी कंपनी का कोई कार्ड वगैरह तो होगा ही, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल है। रुको तुम्हें अभी दिखाता हूँ, ये देखो। अरे वाह, क्या कार्ड है आपका? अरे हमारा काम ही है बच्चों को चौंकाना। ये आदमी पता नहीं खुद को क्या समझता है, देखा कैसे मेरा मजाक उड़ा दिया। रुको, मैं अभी जाकर इनको सबक सिखा रहा हूँ। अंकल मुझे भी थोड़ा दीजिए ना। अरे ये कौन है? शिंजो बेटा, मेहमानों से चीजें नहीं मांगते। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, इसे भी मेरी कंपनी का कोई खिलौना चाहिए। ठीक है ये लो। ये तो मामूली बॉल है। अब देखना इसका कमाल, एक दो तीन। क्यों उड़ गए ना तुम्हारे सारे होश? वो आदमी तो अजीब है। हम उसे सबक कैसे सिखाएंगे? ओ सब तो मुझ पर छोड़ दो। किसी वालों उसकी कंपनी का बढ़िया लिफाफा। हेलो सर। ये मेरी आंखों का बहम है या फिर ये? आप कैसे हैं सर? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। अब बहुत हो गया, मैं तुम्हारी मस्ती और बर्दाश्त नहीं करने वाला। शर्मानी चाहिए तुम्हें, क्या कोई मेहमान से ऐसे पेश आता है? वो अपना सामान भूल गए हैं पापा। क्या? शायद मैं अपना पर्स यहीं कहीं भूल गया था। फिक्र ना करो, हथौड़ी ने पर्स संभाल कर रखा था। अच्छा, संभाल लिया था, शुक्रिया। ये तो बड़े ही अच्छे बच्चे हैं, ये सब तो इनाम के हकदार हैं। अब ये लो। अरे वाह अंकल, हमें इनाम दिया, इनाम दिया। दूसरों के पैसे पर इतना खुश नहीं होते हैं। अम्मा मैं चलता हूँ। जाते जाते भी कुछ बोल कर ही गए हैं ना, आदत से मजबूर। चलो आराम करते हैं। हाँ, आराम करेंगे। केनिची के पापा। सब कैसा चल रहा है? ओह चाचा जी। अरे चाचा जी आप? मैं शहर में था तो सोचा सबसे मिल लूं। अपनी आंखों पर मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ चाचा जी, आपका स्वागत है। केनिची, जरा इनके पोते को ऊपर ले जाओ। जी। अच्छा जरा ये तो बताओ कि तुम्हारे क्या क्या शौक है? मैं तुम जैसों से बात नहीं करता। तुम तो ऐसा कर रहे हो जैसे मैं तुमसे बात करने के लिए बेताब हूँ। तो फिर चुप रहो ना बड़े आए। देखो तुम मेरे मेहमान हो वरना। जरा सुनो केनिची, चाचा जी सालों बाद हमारे घर आए हैं, तुम उनके पोते का ख्याल रखना, अगर वो बुरा मान गए तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी। हाँ मुश्किल होगी। अच्छा तुम्हें खिलौनों से खेलने का शौक है? हाँ है। बहुत सारे खिलौने होंगे ना? कचरे की तरह खिलौने पड़े हुए हैं। तुमने ये कहानी पढ़ी है? किताब फाड़ दी। बेटा तुम यहाँ ठीक से तो हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है, सब मिलकर खेलो। ये तो बहुत ही घटिया प्लेन है। हथौड़ी, इसने मेरा प्लेन तोड़ दिया। अगर तुमने मुझसे कुछ कहा तो जाकर अपने दादाजी से कह दूंगा क्या देता हूँ। इस नकचड़े को तो मैं नहीं। हथौड़ी इसे कुछ मत कहना, मम्मी ने कहा है कि इसके साथ अच्छे से पेश आना है, अगर इसके दादाजी नाराज हो गए तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल होगी। तो ये ऐसे बदतमीजी करता रहेगा और हम चुपचाप सहते रहेंगे क्या? प्लीज उसे कुछ मत करना। अच्छा जरा सुनो तो। हाँ क्या है? तुम्हारा नाक रंग दिया अब्बा की साहब।
अरे तुम ऐसे उड़ कैसे सकते हो? डिंग 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 डिंग। अब थोड़ी देखो ना। अब मैं तुम्हें रंग कर ही दम लूंगा। ये क्या हो गया? बड़े भाई ने उसका मुंह काला कर दिया। ऐसा शोर है। अरे ये तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ? अब क्या होगा? दादाजी दरअसल ऐसा हुआ कि दादाजी हम तो आपस में खेल रहे हैं। अच्छा अच्छा। ओह मैं समझ गया। खेलो खेलो बेटा। तुमने दादाजी से हमारी शिकायत क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे हथौड़ी अच्छा लगा इसलिए। मैंने बहुत से तेज बच्चे देखे हैं, लेकिन सच कहता हूँ हथौड़ी तो कमाल ही है। तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम हमारे दोस्त बन गए? तो जैसा ही। अरे वाह, तब तो हम सब मिलकर बहुत मजे करेंगे। देखो तुम्हारा चेहरा कैसे हो गया है। और जरा अपना चेहरा तो देखो। सब बच्चे हंसी खुशी से मिलकर खेले तो बहुत मजा आता है। डिंग 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 डिंग। सबके पास आ गए। ये क्या है? इसमें हमारा नाम कहाँ है? अरे हमारा नाम तो है ही नहीं, अब क्या करें? कहीं नहीं है। ये तो हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है ना? हाँ बिल्कुल ठीक कहा। ऐसे उदास मत होना, तुम लोग सर से जाकर बात करो, मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हारी बात सुनेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं केनी जी की तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठने वाला। मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं सर से बात जरूर करूंगा। शुक्रिया। हाँ? चलो चलो सब बच्चे अपनी जगह पे बैठ जाओ जल्दी। आज तुम सब अपनी नई सीट पर बैठे हो। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो मुझे बता दो। मुझे है। हाँ कहो केनिची। सर वो क्या है ना, यहाँ से मुझे बोर्ड ठीक से दिखाई नहीं देता, इसीलिए मैं आगे बैठना चाहता हूँ। ओ ऐसा है। अगर मुझे एकदम आगे वाली सीट मिल जाए तो अच्छा होगा। सर मुझे कुछ कहना है। हाँ कहो हमारा। सर अगर यूमिको को ऐतराज ना हो तो केनिची को उसकी सीट दे दीजिए ना। ओ हाँ ये ठीक रहेगा। यूमिको क्या तुम केनिची के साथ जगह बदल लोगी? जी ठीक है। अरे ये क्या, ये तो उल्टा ही हो गया। तुम्हें यहाँ बैठने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना यूमिको? नहीं बिल्कुल नहीं हमारा। हाँ जरा उन दोनों को देखो तो। हाय कल आओ ना भाई। हाँ पहले से बेहतर है। अपना अच्छा किया ना। हाँ बिल्कुल। देखो अपना दोस्त केनिची भी आ गया। चलो चलकर पता लगाते हैं आज इसका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है। हाँ क्या बात है केनिची? सर ने मुझे आगे बिठा दिया और यूमिको को पीछे हमारा के साथ बिठा दिया। बस इतनी सी बात को लेकर इतने ज्यादा परेशान हो रहे हो? ये मामला तुम्हें चुटकियों में हल कर सकता हूँ, पता है ना? निंग निंग निंग। इसी ने तो कहा था कि पीछे बैठने में परेशानी है, इसीलिए तो मैंने इसे आगे बिठा दिया ताकि इसे बोर्ड ठीक से दिखे। लेकिन इसकी दोस्त पीछे चली गई ना? हाँ। आप कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। निंग निंग निंग। निंग निंग। अरे अब तुम क्या करने जा रहे हो? अब मैं जो कहूँगा आप वही करेंगे। मुझे क्या करना है, क्या करना है, बोलो बोलो। आपको यूमिको और केनिची को साथ साथ बिठाना है। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। मैं यूमिको और केनिची को साथ में ही बिठाऊंगा और अमारा को अलग कर दूंगा। ये है यूमिको, उसे यहाँ बिठाना है और इस बच्चे को मुझे यहाँ बिठाना है। हाँ मामला सुलझ गया, अब कोई परेशानी नहीं है। कहाँ खो गए थे सर? अब पता नहीं क्या हो गया था। आप एक अच्छे टीचर हैं, आपको बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं फिर कभी ऐसी नाइंसाफी नहीं करूँगा। तुम जहाँ चाहो वहाँ बैठ सकते हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। हाँ ठीक है। निंग निंग। अच्छा तो ये बात है। हाँ मेरा पेट भर गया। अरे स्कूल जाने का वक्त हो गया। हो मैं चलता हूँ।
लगता है कुछ ज्यादा ही जल्दी में है। आज मुझे सबसे पहले पहुंचना है। कोई नहीं आया है। अरे मुझे इन सबसे पहले क्लास में पहुंचना होगा। चलो मैं अपनी सीट पकड़ लेता हूँ। तुम यहाँ बैठे हो केनी जी, लेकिन अफसोस तुम्हारी दोस्त तो वहाँ आगे खड़ी हुई है, जरा देखो। आ, आ, अरे युमी को कहाँ है? वो तो वहाँ है। आ, ओ मैं यहाँ बैठूं या यहाँ पे बैठूं? यहाँ बैठूं। मैं युमी को के पास बैठूंगा। मैं बैठूंगा। नहीं मैं बैठूंगा। नहीं मैं बैठूंगा। बैठ करो, इसका फैसला उंगली वाले खेल से होगा। खेल से? हाँ? मैं जीतूंगा। देखते हैं, इस खेल में मुझे जीतना ही है और मैं ही जीतूंगा। कुछ भी हो जाए ये केनी जी नहीं जीतना चाहिए। मुझे कुछ करना ही होगा वरना ये हमारा तो जीत जाएगा। तो हो जाए। तुम अपनी मुट्ठी नहीं खोलोगे हमारा? अरे ये क्या, मुट्ठी क्यों नहीं खुल रही? मैं जीत गया। डिंग डिंग। युमी को तुम खुश तो हो ना? बहुत खुश हूँ। अभी भी एक रास्ता बचा है, देखते हैं। शीना तुम्हें ये सब कहना है। क्या बात है शीना? एक जरूरी बात करनी है। वो क्या है ना कि मेरी तबीयत अचानक थोड़ी खराब हो गई है सर। ये आवाज़ तो इस लड़की की नहीं है, लगता है ये हमारा है। क्या मैं पीछे वाली खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ सकती हूँ सर? वहाँ मुझे ताज़ी हवा से काफी अच्छा महसूस होगा। अच्छा ठीक है, कौन आगे आएगा? सर मैं आऊँगा, मैं हूँ ना। जाओ ताज़ी हवा का मजा लो। देखा मैं आ गया युमी को, तुम खुश तो हो ना केनी जी? हाँ तुम हमारे दोस्त हो, मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा? हमारा हार नहीं मानता। निंग 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 निंग। कोई है? अरे घर में कोई है? आई। ओह सर आप इस वक्त यहाँ? अरे आप तो पहले से बहुत मोटी हो गई है। हाँ? मैं आपके लिए ये केक लाया था, लेकिन अब लगता है कि आपके लिए ये खाना ठीक नहीं होगा। हाँ? छोड़िए अंदर तो आइए। नहीं रहने दीजिए, वैसे मैं आपको बता दूं कि ज्यादा वजन से बहुत बीमारियाँ होती हैं। हाँ? अजीब आदमी है। तुमने स्कूल में मेरे बारे में ऐसी क्या बातें की थी कि सर ने यहाँ आकर मुझे ऐसा कहा? केनेची तुम्हें सर से ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आई? हाँ केनेची हमें जवाब दो। क्या कहूँ? मुझे सच बताओ। गलत क्या है, मम्मी तो मोटी है। केनेची अपनी मम्मी के बारे में ऐसा नहीं बोलते, ये बहुत बुरी बात है। लेकिन यही सच है पापा, मुझे तो मम्मी की सेहत की फिक्र है, इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। क्या? कुछ दिन पहले मम्मी बीमार हो गई थी, जबकि पहले कभी ऐसा नहीं होता था। क्या कहा? भला मैं कब बीमार पड़ी थी? आप शायद भूल रही हैं, लेकिन कुछ दिन पहले आपको कितना जुकाम हुआ था। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता मम्मी कि आपको एक के बाद एक बीमारियां लग जाएं। लेकिन जुकाम का मेरे वजन से क्या ताल्लुक? ताल्लुक हो या ना हो, केनेची की बात में दम तो है। ज्यादा वजन 100 बीमारियों की जड़ होता है। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? अब तुम दोनों बात का बतंगड़ मत बनाओ, समझ गए? हाँ देखो देखो हमारी बातों पर नाराज मत हो। कुछ दिन पहले तुम्हें पुरानी पैंट पहनने में तकलीफ हो रही थी, याद है ना? हाँ हाँ मैं समझ गई, अब देखना मैं क्या करती हूँ। मम्मी आप ये क्या कर रहे हो? तुम देख नहीं रहे? ये सही ढंग नहीं है। मुझे सब मालूम है, तुम चुप रहो। वन टू। आपको लगा तो नहीं? अरे तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ये सब एक्सरसाइज सीख कर ही करनी चाहिए, समझ गई? हाँ
मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो सिर्फ देखना चाहती थी कि तुम लोगों को मेरी कितनी फिक्र है। क्यों, कैसी रही मेरी एक्टिंग, बताओ जरा। वाह, तुम तो कमाल की एक्ट्रेस हो। फिर भी आप संभल कर एक्सरसाइज करें तो हमें खुशी होगी मम्मी। तुम लोग मेरी ओर से बेफिक्र हो जाओ। 1, 2, 3, 4 मुझे लगा तुम्हें पर अपना दस जानबूझ कर छुपा रही है। हम समझ रहे हैं। लगता है कि 8 बज गए। नाश्ते का वक्त हो गया। आज तो तुम सब लोग बाहर ही नाश्ता कर लेना, ठीक है? 1, 2, 3, 4 तुम्हारी मम्मी ने ऐसा कहा? हाँ युमिको, उनके सर पर तो आज सुबह से एक्सरसाइज का भूत सवार हो गया है। अरे केनिची, एक्सरसाइज तो सेहत के लिए अच्छी होती है और मुझे तो ढेर सारी एक्सरसाइजेस आती हैं। काश कि कोई मेरी इस कला की कदर करता, लेकिन कोई नहीं करता। अमारा, क्या तुम मुझे वो सारी एक्सरसाइज सिखाओगे? इस लड़की का तो पेच ही ढीला है। क्या आपको मेरे साथ तलवारबाजी करनी है? हाँ हथौड़ी, मैंने सुना है कि इससे वजन बहुत जल्दी कम होता है, इसीलिए आज एक सबक हो जाए। नहीं हो सकता, ऐसा मत कीजिए मम्मी। क्या बात है हथौड़ी, क्या तुम मेरी इतनी सी भी मदद नहीं कर सकते? मैं सब करूँगा लेकिन वार नहीं। वार करो, जवाब दो। नहीं नहीं मम्मी, ऐसा मत कीजिए। मम्मी वार करो, वार करो, वार करो, जल्दी जवाब दो। वार करो, वार करो, वार करो। अरे हथौड़ी, भला इतनी जोर से मारते हैं क्या? मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, गलती तो मेरी ही थी, लेकिन लेकिन बहुत मजा आया। मैं आ गया। पापा, आप आ गए? जल्दी आइए। क्या हुआ बताओ तो? खुद ही देख लीजिए ना। केनिची के पापा, आप आ गए। ये सब क्या है और ये मशीन तुम कहाँ से लाई हो? पता है केनिची के पापा, मेरी सहेलियों ने कहा कि इस स्टीम मशीन में वजन बहुत जल्दी कम होता है, इसीलिए मैं ये बहुत सस्ते में खरीद कर ले आई। क्यों, अच्छा है ना? तुम मेरी मेहनत की कमाई इस स्टीम के डिब्बे पर उड़ा कर आई हो। लेकिन मैं उस पास से सस्ते में लाई। ये तुम इस पास से लाई हो? हो गया वजन कम। तेल वाला खाना खाने से वजन बढ़ता है, इसलिए आज मैंने ये पौष्टिक खाना बनाया है। ये लो। पौष्टिक खाना बनाया है? अब क्या ये खाना पड़ेगा? अब से हम सभी लोग यही खाना खाएंगे, ये बहुत ही पौष्टिक है। क्या कहा? चलो चलो, ठंडे पानी से नहा कर तरोताजा हो जाएंगे। हाँ सो तो है। गर्म पानी? क्या हुआ डैडी? अरे ये क्या है? आ रही हूँ। आप लोग क्यों चिल्ला रहे हो? हमें ठंडे पानी से नहाना था, लेकिन ये तो गर्म पानी है। देखिए, गर्म पानी से वजन घटता है, तो आप भी अपना थोड़ा सा वजन घटा लीजिए। मम्मी के इस वजन घटाने के चक्कर में पूरा घर उलट पुलट हो गया है, पता नहीं ये सब कब ठीक होगा। मैं सो रहा हूँ। रोज में भी एक्सरसाइज। 1, 2, 3, 4 मोटो को पतले होने की सलाह देने से पहले सोच ले कि ऐसे लेने के देने भी बढ़ सकते हैं।